सब्सक्राइब कीजिए छवि क्लासेस को और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दो एग्ज़ाम 2019 का जो होगा उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षिक प्रबंधन के अंदर लूथर गुलिक के सूत्र की व्याख्या। यानी आपने लूथर गुलिक का सूत्र सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, कि आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सूत्र है आपके सामने और इसका जो शॉर्टकट है वह है पोस्ट कॉर्ब, यानी POSDCORB। यानी इसे एक्सप्लेन किया गया है पी फॉर प्लानिंग, यानी नियोजन करना। यानी शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी कार्य की रूपरेखा तैयार करना यानी उसका नियोजन करना वह प्लानिंग कहलाता है। उसी के आधार पर हम शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पी हमने देख लिया। ओ यानी ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन, यानी शिक्षा के जो लक्ष्य है उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यानी विद्यालय स्तर पर एक से अधिक शिक्षक मिलकर इस उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यानी इसमें कर्मचारी वर्ग सम्मिलित होता है। एस फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारी वर्ग, यानी जो विद्यालय परिसर है उसमें समस्त कर्मचारी इसमें आते हैं, यानी स्टाफ होना ज़रूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। डी फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, यानी जो कार्य हो रहा है उसका निर्देशन किस प्रकार हो उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है। सी फॉर कोऑर्डिनेशंस यानी समन्वय, जो भी कर्मचारी वर्ग है संगठन है उनमें समन्वय की भावना होनी चाहिए, तभी हम निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ओ ऑर्डर यानी आज्ञा की पालना होनी चाहिए। जी भी स्तर पर जो भी कर्मचारी वर्ग है अगर वह अपने कार्य को निश्चित रूप से अगर संपन्न करता है तो उसे अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आर फॉर रिपोर्टिंग यानी आलेखन, यानी जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त किस प्रकार किया जाता है उसकी एक आलेखन होना चाहिए, उसकी एक लिखित रिपोर्ट विद्यालय स्तर पर रहनी चाहिए। बी फॉर बजटिंग यानी उसके लिए बजट की समीक्षा करना, बजट तैयार करना और ये सभी प्रकार के प्रपोजल वगैरह निरंतर रूप से शिक्षा विभाग को भेजे जाने चाहिए कि विद्यालय स्तर पर किस किस कार्य की किस प्रकार आयोजन करना है, तो वह भी इसके अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही छवि क्लासेस से जुड़ जाएं, इससे कि हम आपसे जो भी नोट्स हम तैयार करते हैं या उसके बारे में बताते हैं आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।